IPL 2021 का ऑक्शन अब समाप्त हो चुका है। सभी टीमों ने ऑक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लेयर्स परचेस कर लिए हैं। कुल मिलाकर सभी टीमों ने ऑक्शन में आज अच्छे खासे प्लेयर्स परचेस किए हैं। मैं इस वीडियो में आपको उन सभी प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जो कि आज ऑक्शन में सोल्ड आउट हुए हैं, और आपको बताऊंगा कौन सी टीम ने कितने करोड़ में कौन से प्लेयर्स को परचेस किया है। तो ओवरऑल ऑक्शन को लेकर, सभी IPL टीमों को लेकर और IPL 2021 के सीजन को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आज नीलामी में बिकने वाले सभी प्लेयर्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आज स्टेवन स्मिथ को, उमेश यादव को, विष्णु विनोद को, इसके साथ ही मेरीवाला यहाँ पर, इसके साथ ही पीपल यादव, एम सिद्धार्थ, टॉमकरन को और सैम बिलिंग्स को आज ऑक्शन में परचेज किया। आप उन सभी प्लेयर्स की प्राइस और उनके नाम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें RCB के प्लेयर्स की, आखिर RCB की टीम ने आज कौन से प्लेयर्स को परचेज किया, तो RCB की टीम ने ग्लेन मैक्सवेल, सचिन बेबी, मोहम्मद अजरुद्दीन, इसके साथ ही यहाँ पर रजत को, इसके साथ ही काइल जेमिसन को, इसके साथ ही डेनियल क्रिश्चियन, इसके साथ ही केएस भारत को परचेज किया है। आप सभी प्लेयर्स के नाम स्क्रीन पर उनकी प्राइसिंग के साथ देख पा रहे होंगे। कुल मिलाकर RCB की टीम ने आज अच्छी खासी यहाँ पर शॉपिंग करी है। इसके बाद अगर हम बात करें KKR की टीम की, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे KKR की टीम ने शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोरा को, इसके साथ ही करुण नायर, हरभजन सिंह, इसके साथ ही अय्यर और पवन नेगी को आज ऑक्शन में से परचेस किया। आप उनकी प्राइसिंग के साथ उन सभी प्लेयर्स के नाम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें CSK की टीम की, तो CSK की टीम ने मोइन अली को, कृष्णप्पा गौतम को, चेतेश्वर पुजारा को, एच रेड्डी को, इसके साथ ही भगवत वर्मा को और हरी निशांत को आज के ऑक्शन में परचेस किया। आप सभी प्लेयर्स के नाम उनकी प्राइसिंग के साथ देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आज बड़े बड़े प्लेयर्स को ऑक्शन में परचेस किया, जिनमें शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान का नाम सामने आया है। इसके साथ ही चेतन सकारिया, लियम लिविंगस्टोन, इसके साथ ही कुलदीप यादव को इस टीम ने परचेस किया। आप सभी प्लेयर्स के नाम उनकी प्राइस टैग के साथ देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो MI की टीम ने अपने 7 स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्शन में एडम मिल ने, नेथन कुल्टरनाइल और पीयूष चावला को, इसके साथ ही जिमी निशम, युद्धवीर चरक, इसके साथ ही यहाँ पर जेनसन और अर्जुन तेंदुलकर को परचेस किया है। आप उन सभी की प्राइसिंग टैग के साथ स्क्रीन पर नाम देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब की टीम की, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पंजाब की टीम ने आज अच्छी खासी शॉपिंग करी। इस टीम ने डेविड मलान, इसके साथ ही जे रिचर्डसन, शाहरुख खान, इसके साथ ही मेरेडिथ को और मोइजेस हेनरिकेस को, इसके साथ ही जलत सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, इसके साथ ही सौरव कुमार को और फेबेन एलन को परचेस किया। यहाँ पर 9 बड़े प्लेयर्स को इस टीम ने परचेस किया है और काफी बैलेंस अब इस टीम का स्क्वाड हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम ने भी आज के ऑक्शन में यहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग करी। इस टीम ने यहाँ पर जगदीश सुचित को, इसके साथ ही केदार जाधव को और मुजीबुर रहमान को आज के ऑक्शन में परचेस किया है। तो आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम ने आज आखिर सबसे अच्छी बाई करी है, सबसे अच्छे प्लेयर को परचेस किया है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।